नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की स्पेशल रिपोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर आधारित है। नागपुर शहर में छोटे बच्चों की पोर्न फिल्में बनाई जा रही है, उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जब महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल को इस बारे में सूचना दी तो हड़कंप मच गया। नागपुर शहर के अलग अलग पुलिस थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुल 11 मामले सामने आए हैं। गणेशपुर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इंटरनेट के चलन के साथ ही सारी दुनिया करीब आ गई है। किसी भी विषय की जानकारी लेनी हो या कोई वीडियो देखना हो तो इंटरनेट सरल माध्यम है। इंटरनेट का चलन बढ़ने के साथ ही इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। विशेषकर अश्लील वीडियो देखने के साथ साथ अश्लील मैसेज पढ़ने वालों की संख्या भी काफी अधिक है। लोगों की विकृत मानसिकता का ही नतीजा है कि इस तरह की वीडियो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे धड़ल्ले से शेयर किया जाता है। यही वजह है कि पोर्न साइट लोगों के मोबाइल में सर्च की जा रही है। मगर हद तो यह है कि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी काफी बढ़ गई है। विकृत मानसिकता वाले लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो और फोटो भी इंटरनेट पर ढूंढते हैं। इन लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ लोग महिलाओं के साथ साथ अब मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनसे अश्लील और अनैसर्गिक कृत्य करते हुए वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जब महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल को इस बारे में सूचना दी तो हड़कंप मच गया। नागपुर शहर के अलग अलग पुलिस थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुल 11 मामले दर्ज किए जाने की जानकारी अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त नीलेश भर ने दी है। नहीं, अपहरण संबंधी नहीं है। समजा काही पोर्नोग्राफिक मटेरियल, अश्लील मेसेज, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे जे आहे जुएनाईल किंवा यासंबंधी जे त्याच्यात घटक असतील ते अपलोड करणाऱ्या मेसेजमध्ये, व्हिडिओ किंवा मेसेजमध्ये, तर त्याद्वारे जे आहे हा गुन्हा दाखल झाला आहे। यावर लवकरच जे आहे संज्ञान घेऊन जे आहे कारवाई। हे तंत्रज्ञाना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे झालेलं आहे की हे या भागातून या याच्यातून ते अपलोड झालेले आहे फेसबुकवर। त्याद्वारे आता झिरोइंग करून जे आहे निश्चित व्यक्तीला लवकरच अरेस्ट करण्यात येईल। साथ ही पुलिस उपायुक्त नीलेश भरने ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नागपुर के अलग अलग इलाकों में बनाई गई है और वो कौन से जगह से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है इसकी जांच की जा रही है। इन मामलों में से एक मामले में गणेशपेट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी मामलों की भी कड़ी जाँच की जा रही है। जल्द ही पुलिस को अन्य आरोपी को पकड़ने में सफलता मिलेगी। जुवेनाइल एक्ट के तहत इसकी सख्त जाँच की जा रही है। नागपुरात जे आहे नागपूर पोलीस कमिशनरेटमध्ये एकूण 11 गुन्हे जे आहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी जे आहे ते दाखल करण्यात आलेले आहे। त्याच्यामध्ये जरीबटका, सक्करदरा, नंदनवन या पोलीस स्टेशनमध्ये हे एकूण 11 गुन्हे आहेत, ज्यामध्ये NCRB दिल्लीकडून आणि मुंबई सायबर सेलकडून जी माहिती आलेली होती या स्पेसिफिक भागातून जे आहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी किंवा त्या या संबंधित जे आहे अश्लील मेसेज जे आहे ते अपलोड झालेलं आहे फेसबुकच्या माध्यमातून, तर त्याद्वारे जे आहे ते FIR दाखल करण्यात आलेली अननोन व्यक्तीविरुद्ध। त्यानंतर त्याच्यात तपास 11 केसेसमध्ये तपास सुरू आहे। त्याच्यात एक केसमध्ये आम्हाला सध्या सफलता मिळालेली आहे। आम्ही जे आहे गणेशपेठमध्ये एका व्यक्तीला त्या केसमध्ये अटक केलेली आहे। उरलेले जे 10 गुन्हे आहेत त्याच्यावर तपास सुरू आहे आणि लवकरच जे आहे कोणी अपलोड केले असे मेसेजेस त्यांना अटक करण्यात येईल। देशभर में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के माध्यम से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों पर नजर रख रही है। महाराष्ट्र के पुणे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुछ मामले सामने आए थे जिसपे कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी संस्था को नागपुर के कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड होने का पता चला, जिसके बाद यह जानकारी मुंबई साइबर सेल को दी गई। जिसके बाद इस बात की मुंबई साइबर सेल ने पुष्टि की कि ये वीडियो नागपुर से ही अपलोड किए गए हैं। अपराध शाखा पुलिस ने अलग अलग थाने में 11 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से एक मामले में गणेशपेट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
गणेशपेट पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एसएस कुमरे ने बताया कि 22 वर्षीय गिरफ्तार अपराधी शब्बीर शेख उर्फ आमिर वल लतीफ शेख पारडी इलाके का रहने वाला है। अपराधी पर 67B और 15 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। राज्य में दिन ब दिन साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसके रोकथाम के लिए राज्य में साइबर यूनिवर्सिटी बनाने के बाद महाराष्ट्र के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने पिछले कुछ दिनों पहले गई थी। जानकारी मिली है कि छोटे बच्चों की अश्लील फोटो और वीडियो बनाया जाता है, जिसके बाद बच्चे की अश्लील प्रोफाइल बनाकर उस पर अलग अलग तरह के अश्लील हरकतें करने वाली वीडियोस और फोटो अपलोड की जाती है, और यह सब विदेश में पोर्न फिल्में पसंद करने वाले लोगों को भेजा जाता है, जिसके बाद ये वीडियो और फोटो लाखों की कीमत में बेचकर मोटी रकम कमाई जाती है। ऐसे में सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चे बाहर जाते हैं, ऐसे में उनके आसपास कैसे लोग रहते हैं, इसकी जानकारी अभिभावकों ने रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तलाश में विकृत मानसिकता वाले लोग हमेशा ही रहते हैं, और यह विकृत मानसिकता आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट, NBC न्यूज नागपुर। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला है यही रुकने का। ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।